हेलो गाइस, मैं हूँ प्रशांत एंड आज इस वीडियो हम करने वाले हैं इस इन्फिनिटी ग्लाइड 500 का रिव्यू। एंड मैं 15 दिन से इसको यूज़ कर रहा हूँ तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड आप लोगों को ये परचेस करना चाहिए कि नहीं। एंड एज यू ऑल लो कि मैं इसका आपको काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस दिलाने वाला हूँ, तो वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें। एंड अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज ऐसी टेक रिलेटेड वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके हाइलाइटेड फीचर की। तो इसके अंदर हमें ड्यूल बेस इक्वलाइजर मिलता है, सेकंड इसकी बड़ी बैटरी लाइफ है, थर्ड इसमें वॉइस असिस्टेंट मिलता है एंड फोर्थ ये काफ़ी लाइट वेट है। तो सबसे पहले अगर मैं इसके डिज़ाइन की बात करूँ तो काफ़ी सिंपल डिज़ाइन में मिलता है। एंड अगर मैं इसकी बात करूँ, ये प्लास्टिक बॉडी फिनिश में मिलता है, काफ़ी लाइट वेट है। अप्रोक्स इसका जो वेट है वो 1.5 ग्राम है। एंड अगर मैं बात करूँ इसके कुशंस की तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, मैंने यूज़ किए थे तो एक दो दिन तो मेरे को थोड़े से टाइट लगे थे बिकॉज ये फिटिंग हमारे हिसाब से नहीं होती है, लेकिन एक दो दिन बाद ये थोड़े से लूज़ हो जाते हैं तो आपको बिल्कुल परफेक्ट फिट हो जाएंगे ये। एंड नेक्स्ट मैं बात करूँ इसके अंदर जो हमें बटन्स मिलते हैं, हमें यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन बटन मिलता है एंड इन्हीं को आप प्रेस करेंगे तो आप जो है आप हमारे डीप बेस मोड में एंड जो नॉर्मल मोड में उसमें भी स्विच कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे हमें जो चार्जिंग पोर्ट मिलता है वो माइक्रो यूएसबी मिलता है एंड जो नेक्स्ट बटन हमें यहाँ पे मिलता है वो हमारा पावर ऑन ऑफ है एंड उसी से आप जो है म्यूजिक को प्ले पॉज भी कर पाएंगे। एंड उसी के बगल में जो हमें यहाँ पे एक इंडिकेटर लाइट भी मिलती है जिसके थ्रू आप पेयरिंग कर सकते हैं एंड आपको बैटरी बैकअप वगैरह भी पता चल जाएगा। एंड उसी के साइड में है हमारे यहाँ पे माइक्रोफोन, लेकिन ये जो माइक्रोफोन है ये नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन नहीं है। आई थिंक इसमें अगर वो होता तो ये काफी ज्यादा बेटर डील होती है हमारे लिए। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसकी साउंड क्वालिटी की, तो मैंने इसको काफ़ी टाइम यूज़ किया एंड मैंने जो इसमें एक चीज़ नोटिस की वो थी, अगर हम इसके नॉर्मल मोड पे भी होते हैं तो इसमें हमें थोड़ा सा जो बेस है वो फील होता है। तो आई थिंक जो लोग बेस लवर हैं उनको काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आने वाला है। एंड अगर आप इसके बेस मोड की बात करेंगे तो बेस मोड भी इसका काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, मैंने काफ़ी चीज़ें मूवी देखी इस पर एंड म्यूज़िक भी सुने एंड वहाँ पर मेरे को बेस काफ़ी अच्छा मिला एंड गेम के टाइम पर भी जो बेस था वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा। लेकिन अगर मैं गेम खेलते टाइम बात करूँ तो थोड़ा सा लैग मेरे को मिल रहा था, लेकिन मैं अदर हेडफोन से कंपेयर करूँ इसको तो उनसे काफ़ी अच्छा जो इसकी साउंड क्वालिटी है वो हमें मिलती है एंड जो यहाँ पे लैग हमें मिल रहा था वो भी काफ़ी कम था अदर हेडफोन के कंपैरिजन में। तो आई थिंक मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप ऑफिस वर्क करते हैं उसके लिए भी बेटर है, म्यूजिक सुनते हैं उसके लिए भी बेटर है एंड अगर आप गेम खेलते हैं उसके लिए भी बेटर है। लेकिन इसमें एक चीज़ की कमी है कि इसमें ओनली ब्लूटूथ मोड मिलता है हमें यहाँ पे कोई भी ऑक्स मोड नहीं मिलता है, यहाँ पे ऑक्स का कोई भी पोर्ट आपको नहीं मिलता जिसके थ्रू आप इसको अपने पीसी में कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप मोबाइल में गेम खेलते हैं तो आई थिंक ये आपके लिए परफेक्ट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसके बैटरी बैकअप की, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा इसका बैटरी बैकअप अट्रैक्टिव लगा बिकॉज कंपनी यहाँ पे क्लेम करती है 20 आवर्स का, लेकिन जब मैंने इसको फुल वॉल्यूम पे टेस्ट किया था तो मेरे को मिला था 15 आवर्स। एंड अगर मैं बात करूँ ऑप्टिमाइज सेटिंग पे तो ये आपका 2-3 दिन इजीली वर्क कर जाएगा, तो आई थिंक ये काफ़ी बेटर ऑप्शन होता है यहाँ पे। एंड अगर मैं बात करूँ इसके चार्जिंग टाइम की तो कंपनी क्लेम करती है यहाँ पे 2 आवर्स का, एंड जब मैंने इसको चार्ज किया तो ये अप्रोक्स 2 आवर्स में फुल चार्ज हो गया था। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसके फील्ड टेस्ट की, तो मैंने इसको पूरे पूरे दिन यूज़ किया था, इनफैक्ट मैंने इस पर काफ़ी सारी मूवीज़ देखी है। एंड अगर मैं बात करूँ मैंने इस पर एडिटिंग भी की थी अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके ब्लूटूथ के थ्रू, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रहा था, मेरे को कोई भी ग्लिच यहाँ पे देखने को नहीं मिली या कोई भी लैग देखने को नहीं मिला। एंड अगर मैं बात करूँ माइक्रोफोन की, तो मैंने काफ़ी सारी वीडियो कॉल भी की थी इससे, माइक्रोफोन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है इंडोर में। लेकिन अगर मैं बात करूँ आउटडोर में, तो जो मैं बात कर रहा था तो सामने वाले को काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ जा रही थी बिकॉज इसमें कोई भी नॉइज़ कैंसिलेशन माइक्रोफोन नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, ये हमारे ईयर पे फिट हो जाते तो हमें तो कोई नॉइज फील नहीं होता अगर हम आउटडोर होते हैं तो, लेकिन अगर मैं कहूँ इंडोर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं या आप इसको ऑफिस में यूज करेंगे या फिर किसी भी पर्पस के लिए आप इसको इंडोर यूज करेंगे तो ये आपके लिए काफी बेटर रिजल्ट देगा। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ उसके प्राइस की, तो अमेजोन पे जो उसका नॉर्मली प्राइस रहता है वो रहता है 1499, लेकिन अगर आप इसको हमारे स्पॉन्सर्स के पैसे खरीदेंगे तो ये आपको ओनली मिलेगा 1199 में। एंड हमारे स्पॉन्सर की सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर उनका पेज भी चेक कर सकते हैं, आप लोगों के लिए काफ़ी सारे डिस्काउंट वहाँ पे चल रहे हैं तो आई थिंक उनका पेज चेक करके आप एक बेटर डील क्रैक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बात आती है इसको लेना वर्थ है कि नहीं, तो अगर आप इंडोर के लिए कोई हेडफोन देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यही, बिकॉज जो साउंड क्वालिटी है काफ़ी बेटर है क्योंकि JBL ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है इस पर, तो इसकी साउंड क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। हाँ, जो थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग की गई है वो इसकी बॉडी में की गई है, लेकिन जितनी भी कॉस्ट कटिंग की गई है वो सारी की सारी साउंड क्वालिटी में आपको दे दी गई है, तो आई थिंक कॉस्ट कटिंग मेरे को कहीं भी यहाँ पे फील नहीं हुई। लाइट वेट है इसलिए प्लास्टिक दिया है, ये भी एक रीज़न हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी ये चीप क्वालिटी का नहीं लगता है। यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा मैं ये भी नहीं कि हाई बजट लगता है, नॉर्मल बजट का फील होता है आपको पहनने पर भी एंड बाहर से लुक से भी, लेकिन हाँ साउंड क्वालिटी में बिल्कुल भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है।
तो लास्ट बात आती है इसमें क्या क्या इशू मेरे को फेस हुए। तो मेरे को इसमें एक ही इशू फेस हुआ था, वो था इसका नॉइस कैंसिलेशन माइक का ना होना। बिकॉज जब हम आउटडोर में कॉलिंग करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ जो है सामने वाले को जाती है, तो आई थिंक यही एक रीज़न है इसको ना परचेस करने का। बाकी इसकी साउंड क्वालिटी एंड इंडोर में इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, इनफैक्ट गेम में भी इतना ज़्यादा लैग हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये था इसका कंप्लीट रिव्यू। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें।